इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां होटवार जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ गई है। होटवार जेल में बंद पूजा सिंघल को सुबह चक्कर आया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की है। बता दें कि कल रात जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन की ओर से उन्हें दवाइयां मुहैया कराई गई। पूजा सिंघल की तबीयत में सुधार आने के बाद उनको महिला वार्ड में भेज दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि आज ईडी की टीम भी पूजा सिंघल को 5 दिनों की रिमांड पर लेने वाली है। मनरेगा घोटाला व भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामलों में एक बार फिर ईडी की टीम पूजा सिंघल से लंबी पूछताछ करेगी। इससे पहले बुधवार को पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल परेशान नजर आने लगी, उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। हालांकि डॉक्टरों की टीम लगातार पूजा सिंघल पर नजर बनाए हुए है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति अब सामान्य है। वहीं इससे इतर खबर है कि पूजा सिंघल ने पूछताछ में बड़े नामों का भी खुलासा किया है, जिसके चलते प्रशासनिक और राजनीतिक खेमे में हलचल तेज हो गई है। सिंघल ने अवैध माइनिंग में कुछ अफसरों और एक बड़े राजनेता का संरक्षण मिलने की बात स्वीकार की है और विपक्ष अब सरकार पर जमकर हमलावर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।